नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। मैं आज लेके आई हूँ ओशो ने कही हुई एक कहानी। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के आश्रम में प्रविष्ट होने के लिए चार स्त्रियाँ पहुँची। उनकी बड़ी जिद थी, बड़ा आग्रह था। ऐसे सूफी उन्हें टालता रहा, लेकिन एक सीमा आई कि टालना भी असंभव हो गया। सूफी को दया आने लगी, क्योंकि वे द्वार पर बैठी ही रही भूखी और प्यासी, और उनकी प्रार्थना जारी रही कि उन्हें प्रवेश चाहिए। उनकी खोज प्रामाणिक मालूम हुई तो सूफी झुका और उसने उन चारों की परीक्षा ली। उसने पहली स्त्री को बुलाया और उससे पूछा, एक सवाल है, तुम्हारे जवाब पर निर्भर करेगा कि तुम आश्रम में प्रवेश पा सकोगी या नहीं, इसलिए बहुत सोचकर जवाब देना। सवाल सीधा साफ था। उसने कहा कि एक नाव डूब गई है, उसमें तुम भी थी और 50 थे, 50 पुरुष, और तुम एक निर्जन द्वीप पर लग गए हो। तुम उन 50 पुरुषों से अपनी रक्षा कैसे करोगी? वहां समस्या है, एक स्त्री और 50 पुरुष और निर्जन एकांत। वहां स्त्री कुवारी थी, अभी उसका विवाह भी ना हुआ था, अभी उसने पुरुष को जाना भी ना था। वहां घबरा गई और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं किनारे लगूंगी ही नहीं, मैं तैरती रहूंगी, मैं और समुद्र में गहरे चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस द्वीप पर कदम ना रखूंगी। फकीर हंसा और उसने उस स्त्री को विदा दे दी और कहा कि मर जाना समस्या का समाधान नहीं है, नहीं तो आत्मघात सभी समस्याओं का समाधान हो जाता। यहाँ पहला वर्ग है जो आत्मघात को समस्या को समाधान मानते हैं। इस संसार में मरने से तो कुछ हल होता ही नहीं। फिर तुम पैदा हो जाते हो, दूसरी स्त्री बुलाई गई, वहाँ दूसरी स्त्री विवाहित थी, उसका पति था। वही सवाल उससे भी पूछा गया। उस स्त्री ने कहा, इसमें बड़ी कठिनाई क्या है? उन 50 में जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी। वहां एक बाकी 49 से मेरी रक्षा करेगा। यहां उसका बंधा हुआ अनुभव है, लेकिन उसे पता नहीं कि परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। उसके देश में यहाँ होता रहा होगा कि उसने विवाह कर लिया और एक व्यक्ति ने बाकी से रक्षा की, लेकिन एक व्यक्ति बाकी से रक्षा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो, 50 से ज्यादा शक्तिशाली थोड़े ही होगा। रक्षा असल में एक पति थोड़े ही करता है स्त्री की। जो 50 की पत्नियां हैं, वहां उन 50 को सीमा के बाहर नहीं जाने देती। फकीर ने उस स्त्री को विदा कर दिया और उसने कहा कि तुझे अभी बहुत सीखना पड़ेगा। इसके पहले कि तू स्वीकृत हो सके, तूने एक बात नहीं सीखी है अभी, कि परिस्थिति के बदलने पर समस्या ऊपर से चाहे पुरानी दिखाई पड़े, भीतर से नई हो जाती है और नया समाधान चाहिए। तीसरी स्त्री बुलाई गई, वहां एक बेसिया थी, और जब फकीर ने उसे समस्या बताई कि समस्या यहाँ है कि 50 आदमी है, तुम हो, नाव डूब गई, एकांत निर्जन द्वीप होगा, तुम अकेली स्त्री होगी, समस्या कठिन है, तुम क्या करोगी? वहां बेसिया हंसने लगी। उसने कहा, मेरी समझ में आता है कि नाव है, 50 आदमी है, एक स्त्री मैं हूँ, फिर
नाव डूब गई है, 50 आदमी और मैं किनारे लग गए। निर्जीव द्वीप है, समझ में आता, लेकिन समस्या क्या है? बेस्या के लिए समस्या हो ही नहीं सकती। इसमें समस्या कहाँ है? यह मेरी समझ में नहीं आता। और जब समस्या ही ना हो तो समाधान का सवाल ही नहीं उठता। बहुत से लोग हैं तीसरे वर्ग में जो कहते हैं समस्या कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, जिसको तुम खोज रहे हो, ध्यान होता कहाँ है, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, प्रार्थना पूजा बकवास है, मोक्ष निर्वाहन सपने है, समस्या है कहाँ, कोई आने वाला नहीं है, कहाँ जा रहे हो, मंदिर मस्जिदों में, वहाँ कोई भी नहीं है, किस गुरु के पास जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, प्रश्न ही नहीं है, पूछना क्या है। बेस्या भी विदा कर दी गई, क्योंकि जिसके लिए समस्या ही नहीं है उसे समाधान की यात्रा पर कैसे भेजा जा सकता है। चौथी स्त्री के सामने भी वही सवाल फकीर ने रखा। उस स्त्री ने सवाल सुना, आंखें बंद की, आंखें खोली और कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं निपट अज्ञानी हूँ। वहाँ चौथी स्त्री स्वीकार कर ली गई। ज्ञान के मार्ग पर वही जा सकता है जो अज्ञान को स्वीकार कर ले।